दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 35x40 में हाउस प्लान को, जो कि बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल आपको देखने को मिल रहा होगा। हालांकि यह मॉडल मैंने पूरा टोटली वाइट कलर का क्रिएट किया है और यही पूरा मॉडल 35x40 फीट में मैंने बनाया है। चारों तरफ इसके कुछ जगह छूटी है, इसलिए चारों तरफ मैंने विंडो दिया है जिससे प्रॉपर इसका वेंटिलेशन समय समय पर होता रहे। और यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर मैंने क्रिएट किया है, इसी मॉडल को पूरा आज हम डिस्कस करेंगे 35x40 फीट में। तो बने रहिए स्टूडियो में लगातार। मैं हूं पवन झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार नए वीडियो, नए मॉडल्स, अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, जो कि आप देख कर एक नया लुक बनवा सकते हैं। आज का जो प्लान है 35x40 फीट में टोटली वाइट है। आप अगर कहेंगे कि इसे कलर में कलर कॉम्बिनेशन करके दीजिए तो मैं इसी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा विद कलरिंग, कि कहां पर कौन सा कलर होगा जिससे प्रॉपर डिज़ाइन इसका और देखने को मिले। ये पूरा मैंने वाइट क्रिएट किया है तो इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में आपको देखने को मिलेगा ये फ्रंट है और इसका ये स्टेयर्स है और ये स्लोप है। ये देखिए आपका आगे एक पोर्च टाइप का और बारंदा भी क्रिएट किया है जिसमें आपको ये खफरहल वाला डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दिया है बारंदे में, आप देख पा रहे होंगे। ये एक विंडो का डिज़ाइन है, प्रॉपर तरीके से विंडो है, छोटे से दो पिलर हैं, उसके ऊपर स्लोप है। ऐसी विंडो देखिए जहाँ जहाँ पर बेडरूम है, जहाँ वेंटिलेशन हो सकता है, वहाँ पर मैंने इसी टाइप की आपकी विंडो क्रिएट करके पूरे मकान में चारों तरफ दी है, क्योंकि चारों तरफ से ओपन घर है। अब हम बात करते हैं इसकी एंट्री के, तो आप जैसे यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये देखिए मेन डोर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, आप यहाँ पर ये बारंदा टाइप का है, इसके बाद ये मेन डोर से एंट्री करते हैं। जैसे एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले दो बेडरूम देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए ये दोनों बेडरूम हैं और इस पहले वाले बेडरूम में बाहर से भी एक विंडो है एक साइड से और इधर से डोर दिया है अंदर से। इसका जस्ट इसके साइड में एक आपका बेडरूम है, उसमें भी ये डोर आपका दे रखा है। इसके बाद इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर एक आपको बड़ा सा बेडरूम देखने को मिलता है और इस कॉर्नर पर ही भी आपको बड़ा सा एक बेडरूम देखने को मिलता है। ये आपका किचन एरिया है जो आप देख पा रहे होंगे। लेट एंड बाथ की बात करें तो ये आपका स्टेयर्स है और स्टेयर्स के जस्ट साइड में आपका लेट एंड बाथ है। हालाँकि इतने बड़े से घर में एक लेट एंड बाथ कम होगा, तो आपको एक कहीं ना कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा, या क्योंकि ओपन जगह है जो रिक्वायरमेंट थी उसकी एक लेट एंड बात की थी, उनका कहीं बाहर भी लेट एंड बात बना होगा। तो इस घर की अगर हम बात करें तो इसमें हालांकि दो चाहिए क्योंकि चार बेडरूम है, लेकिन मैंने एक ही क्रिएट किया है। तो ये पूरा चार बेडरूम के साथ लेट बात किचन, बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन जो आपको देखने को मिलता है, एक नया मॉडल देखने को मिलता है, नया डिज़ाइन मिलता है। और ये पूरा ग्राउंड फ्लोर था। अब इसे मैं जूम करके और दिखाता हूँ, इसे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू आपको देखने को मिल जाए। ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से आप, ये मैंने मॉडल पूरा वाइट क्रिएट किया है। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताते हैं कि इसे कलरफुल बनाइएगा, कलर दीजिए, तो मैं कलर पर भी एक वीडियो बना दूंगा और आप उसे और अच्छे से देख पाएंगे। अब बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री और स्टेयर्स के लिए घुमटी आपको मिलता है। और रेलिंग की बात करें तो ये देखिए आपको प्रॉपर तरीके से रेलिंग देखने को मिल जाती है और जो रेलिंग है वो एक नए लुक में, नए डिज़ाइन में मैंने क्रिएट की है। और ये जो बारंदा था उसमें भी देखिए रेलिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्रिएट की है। तो 35x40 फीट में विथ 4 बेडरूम के साथ आपको घर का नक्शा मिलता है। आप इसे शहर में, गांव में, कहीं पर भी बनवा सकते हैं। वेल डेकोरेटेड प्लान है, वेल फिनिशिंग प्लान है। आप कलरफुल में अगर कहिएगा तो मैं इसे ज़रूर आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को लाइक किया करें, हमें मोटिवेशन मिलता है इन वीडियो से अगर आप लाइक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, इसका अगर आप एस्टीमेट कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाएं, स्मॉल हाउस प्लान सर्च करें, आपको हमारा एप्लीकेशन मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इसकी कॉस्ट एस्टीमेट कर सकते हैं। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।